Hello viewers, today I am here with a new trick related to ratio. So one question in front of you, so let's start with trick. देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 व b अनुपात c बराबर 6:1 तो a अनुपात b अनुपात c क्या है, यानी क्वेश्चन कह रहा है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 5:7 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 6:1 देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है इस तरीके से लिखना है ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 5:7, बी के नीचे आपको बी लिख लेना है क्योंकि बी यहाँ पे क्या है एक जैसे लेटर्स हैं, तो बी और रेशियो सी। अब देखिए बी के नीचे बी लिखा है इसका मतलब बी यहाँ पे 7 है और यहाँ ये देखिए बी 7 है और यहाँ पे बी कितना है 6 है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 6:1। फिर से लिखता हूँ इसको, देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7 और ऐसे लिखेंगे बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:1। अब देखिए यहाँ पे बी तो यहाँ पे सेम होगा बट यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को सेम करेंगे। किस तरीके से सेम होगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई 6 से करा दी जाए और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करा दी जाए, लेकिन ये मल्टीप्लाई 7 से ही नहीं होगी, 5 से भी होगी और 7 से भी होगी। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ए रेशियो बी, अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद 5 6 30 6 7 42, इसी तरीके से यहाँ पे बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6 7 42 और 7 7। अब इसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30:42:7। तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया 30:42:7, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स मीटर मिश्रण में दूध व पानी पी अनुपात क्यू अनुपात में है, तब इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ताकि अनुपात आर अनुपात एस हो जाए, यानी कि कोई मान लीजिए कोई बीकर है उसमें एक्स यहाँ पे मीटर नहीं होगा, ये होगा एक्स लीटर। एक्स लीटर मिश्रण में दूध व पानी इतने अनुपात है, यानी कि उसमें कितना पानी मिलाएं किसका अनुपात, पहले मान लो पी अनुपात क्यू था तो अब आर अनुपात एस हो जाए, तो इसके लिए ट्रिक क्या है। अब देखिए ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको ट्रिक यानी कि अपना माइंड यूज़ करना है कि इसको किस तरीके से याद रखना है। देखिए टोटल एक्स लीटर मिश्रण है, यानी कि एक्स लीटर मान लीजिए कोई कुछ भी दिया हुआ है, मिक्सर दे रखा है, तो क्या करेंगे पहले एक्स लिखना है आपको। अब जो अनुपात दे रखे हैं तो पी ऊपर लिखा हो, पी अनुपात क्यू दे रखा है ये, और उसके बाद दूसरे में दे रखा है आर अनुपात एस दे रखा है, तो पी सॉरी ये आर एस तो पी इंटू एस, यानी कि ये हो जाएगा पी एस माइनस और ये हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा पी एस माइनस क्यू आर अपॉन। अब देखिए इसको मैंने अपॉन में लिखा है तो आर रखिए और ऊपर दोनों को क्या कर दीजिए प्लस, तो पी प्लस क्यू, दो तीन बार इसको आप लिखिए और क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए स्टिक का यूज़ करके हम आंसर फाइंड करते हैं। देखिए क्या है, 40 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है, तब इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। अब देखिए मिश्रण कितना है 40, ठीक है, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए 3:1 और ये 2:1, ये P लिखा हुआ है, ये Q लिखा है, ये R लिखा है, ये S लिखा है, तो P S की मल्टीप्लाई और फिर Q R की मल्टीप्लाई, तो P और S की मल्टीप्लाई 3 3 हो गया, माइनस Q और R की, तो Q और R की यानी 2 रहेगा माइनस हो गया अपॉन में R, मैंने बताया तो R 2 रहेगा, इसी तरह P प्लस Q, तो P प्लस क्यू यानी कि ये दोनों लिखे हुए 3:1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40 और 3 2 1 अपॉन 2 4 8 8 1 8 8 5, तो ये बचा 5 5, यानी कि 5 लीटर अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण पी अनुपात क्यू में तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण आर अनुपात एस में हो, तो ये दोनों बर्तन को किसी अन्य बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, इसका मतलब क्या है। एक बर्तन में जैसे मान लीजिए ये कोई पॉट है, इसमें मान लेता हूँ ए टाइप का कुछ मिक्सर है, वो दूध व पानी का है, मतलब दूध व पानी का मिक्सर है, ऐसे ही एक पॉट है उसमें बी है, उसमें भी क्या है दूध पानी का मिक्सर है, बट जैसे मान लीजिए ये अनुपात दे रखा है पी अनुपात क्यू में है और यहाँ पे आर अनुपात एस में है, यानी कि दोनों अलग अलग अनुपात में मिक्सर
है किसका, दूध और पानी का अलग अलग पॉट में। ये मान लेते हैं कि बर्तन ए है और ये बर्तन बी है, इसमें पी अनुपात क्यू में भरा हुआ है दूध और पानी, और इसमें आर तथा एस अनुपात में मतलब आर एस अनुपात में भरा हुआ है दूध और पानी का मिक्सचर। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ये बोला गया कि उनको किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, मतलब उनको जब मिल दोनों, अब जैसे इन दोनों को मैंने उठा के क्या किया, एक दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो अब उनका नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी ट्रिक लिखी हुई है, पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन आर प्लस एस, नेक्स्ट अनुपात के बाद देखिए क्यू अनुपात पी प्लस क्यू प्लस एस अपॉन आर प्लस एस। इसका मतलब क्या है, देखिए पी को एज इट रखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्यू नहीं लेना है, अब इसके साथ फिर आर लेना है, और अपॉन में क्या है पी प्लस क्यू, पी के नीचे क्या पी प्लस क्यू लेना है, फिर उसके बाद आर आर प्लस एस ले लेना है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू के में पी प्लस क्यू और एस में आर प्लस, यानी कि देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसे लिखे हुए वैसे सेम, बस पी आर और ये क्यू एस याद रखना है, पी और आर, तो पी पहले, पी के साथ क्यू नहीं आएगा, पी के साथ आर, ठीक है, उसके बाद क्यू के साथ एस, और अपॉन में पी प्लस क्यू आर प्लस एस पी प्लस क्यू एंड आर प्लस एस। अब देखिए इस ट्रिक का यूज करते हैं, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, दो समान ग्लास जिसमें दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 1:2 व 1:3 है, उन दोनों गिलासों के मिश्रण को एक अनुपात में मिला दिया गया, तब इस मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए अब रेशियो क्या दे रखे हैं, 1:2 और एक दे रखा है 1:3, तो ये क्या हो गया पी और ये क्यू और ये क्या हो गया आर और ये हो गया एस। तो आपको ध्यान रखना है क्या है पी अपॉन पी प्लस क्यू, यानी कि 1/, यानी 1/ और पी प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3 प्लस आर, अब आर कितना है 1 और फिर क्या लिखना है आर प्लस एस, यानी जब आर ली है तो आर प्लस एस, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/4 अनुपात। दूसरा क्यू कितना है 2, अब 2/ पी प्लस क्यू फिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, फिर ऐसे ही एस, एस कितना है 3 और ये हो जाएगा आर प्लस एस, यानी कि आर प्लस एस 3, 3, 1, 4। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 × 3 = 12 और ये हो जाएगा 7, ये फ्रैक्शन गिवन है इसको सॉल्व कर लेंगे। रेशियो ये 4 × 3 ऐसे क्या होगा 12 और 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, तो 8 और 9 ये हो गया 17, तो 12 से 12 ये हट जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो में अगर बराबर लिखें तो अनुपात क्या आ गया 7:17, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 7:17। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दीज वर ट्रिक्स ऑफ टुडे, हाउ वॉज द ट्रिक, If you like, then you can like, press the like button and subscribe and share to your friends.